नमस्कार, स्वागत है आपका द एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आज हम ले चलते हैं इतिहास के ऐसे रोमांचकारी सफ़र पे जहां मुकाबला होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। खानवा की लड़ाई, बाबर और राणा सांगा के बीच में वर्चस्व की जंग। प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई राज्य हुए जिन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए या खुद को स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए राज्य बनते रहे और पुराने साम्राज्यों का पतन होता रहा। इसी कोशिश में कई निर्णायक लड़ाइयां भी हुई, कई काल के घाल में समा गई तो कुछ को इतिहास के पन्नों पर विशेष स्थान मिला। खानवा की लड़ाई उन्हीं में से एक थी। खानवा की लड़ाई का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद में ही मुगल युग की शुरुआत हुई, चूंकि इसे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, तो इसके पहलुओं को जानना भी काफी दिलचस्प होगा। बात 15वीं ईस्वी के आसपास की है। बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए अपने लश्कर के साथ निकला था। हिंदुस्तान को फतह करने का लक्ष्य काफी बड़ा था, इसके लिए उसने काफी बड़ी फौज संगठित की। बाबर सिर्फ हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं जमाना चाहता था, वह अपने गृह क्षेत्र काबुल पर भी अपना वर्चस्व स्थापित बनाए रखना चाहता था। माना जाता है कि बाबर काबुल से कूच करके कई लंबे सफर के बाद में लश्कर के साथ झेलम नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब रहा। नदी के किनारे के पास में आराम करने के बाद बाबर सफलतापूर्वक हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया। बाबर हिंदुस्तान के होने के बाद में कई रियासतों पर कब्जा जमा चुका था और वह अपने देखे सपने को पूरा करने के लिए हर युद्ध लड़ने को तैयार था। गुजरते समय के साथ ही बाबर कई रियासतों को जीतता चला गया और अंत में दिल्ली पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। कम समय में ही बाबर ने दिल्ली पर अपनी बादशाहत जमा ली, मगर भविष्य में बाबर का मुकाबला उस समय के महान योद्धा राणा सांगा से होना था। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। वह राणा रायमल के पुत्र थे। अपने शासनकाल में वह दिल्ली, मालवा और गुजरात कईयों पर चढ़ाई कर चुके थे और माना जाता है कि उस दौर में भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा के सामने पल भर भी टिक सके। बहरहाल दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो चुका था और राणा सांगा के लिए बुरा संकेत था। असल में राणा सांगा अफगानों की सत्ता को समाप्त करके दिल्ली में राजपूतों का शासन लाना चाहते थे। यही बाबर समूचे भारत पर अपना कब्जा जमाने का ख्वाब देख रहा था। इस लिहाज से दोनों योद्धाओं के लिए वर्चस्व को कायम करने की चुनौती थी। हिंदुस्तान में अपने शासन को जिंदा रखने और अपने आप की खुद की स्थिति को मजबूत करने के लिए बाबर ने फौज किसी न किसी राज्य पर आक्रमण कर वह कब्जा जमाता रहता था। इसी तरह बाबर की जीत की भूख बढ़ती रही और उसे रोकने के लिए अन्य शासक उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इधर राणा सांगा समझते थे कि बाबर अपनी अफगान शासकों को इसी तरह लूटपाट का अंजाम देकर वापस दिल्ली से लौट जाएगा, बाद में वह दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, किंतु यह सच नहीं था। राणा सांगा को जल्दी पता चला कि बाबर हिंदुस्तान को छोड़ने वाला नहीं है और इधर बाबर की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने कालपी, बयाना, आगरा, धौलपुर रियासत पर अपना कब्जा कर लिया था, जबकि ये रियासतें राणा सांगा के साम्राज्य में आती थी। खैर, जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगा तो राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। 17 मार्च सन 1527 इतिहास के पन्नों पर वह तारीख दर्ज हुई जब खानवा के युद्ध में भिड़े युद्ध में राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, बसीन चंदेरी और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी डटे थे। राणा सांगा की फौज का मुकाबला बाबर अपने लश्कर के साथ फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा जगह पर पहुंचा, जहां राणा सांगा और उसके अन्य सहयोगी शासक बाबर की प्रतीक्षा में थे। बाबर ने पानीपत की युद्ध में जिस तरह से इब्राहिम लोदी को परास्त करने की रणनीति बनाई, उसी रणनीति का प्रयोग करके खानवा का युद्ध किया और युद्ध के मैदान में राणा सांगा की सेना वीरता से लड़ी। बाबर की 20,000 से अधिक सिपाहियों का जमकर मुकाबला किया।
माना जाता है कि राणा सांगा की यह लड़ाई काफ़ी हद तक उनके पक्ष में थी, लेकिन अंत में बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल किया और लड़ाई का पक्ष अपनी ओर मोड़ लिया और ये युद्ध जीत लिया। ये जीत बाबर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि इससे उत्तर भारत का वह एक वीर शासक को हरा चुका था। खानवा का युद्ध ही था जिसे जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। इससे पहले बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, किंतु उसके लिए खानवा की जीत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। असल में इसके बाद ही वह भारत में मुगल राज्य की जड़ें मजबूत करने में सफल रहा और दिल्ली का शासक बना। दिलचस्प बात यह रही थी कि खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर की ताकत का मुख्य केंद्र काबुल नहीं रहा, बल्कि आगरा और दिल्ली बन गया था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि राणा सांगा ने अपनी पूरी वीरता के साथ में लड़े थे, और आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसके बारे में अगर कुछ ज़्यादा जानते हो तो वो भी लिख दीजिएगा। मैं मिलूँगा इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जिस महान योद्धा के बारे में चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।